तो हाय गाइस, आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैंने फाइनली अपने घोड़े का नाम रखने वाला हूँ। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था अपने घोड़े का नाम रखो चुलबुला, तो मैं अपने घोड़े का नाम रखने वाला हूँ चुलबुला। और जो उसकी गर्लफ्रेंड होगी उसका नाम होगा चुलबुली, ठीक है। और उसका बेटा होगा उसका नाम होगा बुलबुला। इसका नाम होने वाला है। तो आज हमारे टास्क है बनाना है डायमंड का चेस्ट प्लेट, डायमंड की चेस्ट प्लेट बनानी है हमें। तो प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। पहले मुझे देखना है क्या कितने मेरे पास इनफ पिकैक्स हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। और हाँ, मेरे पास एक और भी क्या कहते हैं आप बात है आपको बताने के लिए। जब मैं क्या कहते हैं मैं ऑफलाइन था, मैंने एक ड्राउंड मारा, उसमें से मुझे मिला गोल्ड इंगट। तो ये मेरी पहली गोल्ड इंगट है इस गेम की। बड़ा मज़ा आता है बैल बजाने में। और ये मेरा आर्मर का बस वो है, और इसका और हमें पहले हम एक पिकैक्स बनाते हैं। पिकैक्स की रेसिपी क्या थी? ऐसे ऐसे पिकैक्स बन गई। आज मेरे ख्याल से मुझे इजीली मिल जाएंगे डायमंड्स, बहुत इजी हैं। मैं तो प्रो हूँ ना, मैं प्रो मैन हूँ, प्रो मैन जाना चाहिए। फटाफट से नीचे आके डायमंड माइन करता हूँ। आज की वीडियो में फिर कुछ और भी कर लेंगे अगर जल्दी डायमंड्स मिल गए तो। पिछली बार रेड स्टोन के साथ मिले थे, मुझे बहुत सारा कोल भी मिला था, उसके नीचे तो नहीं है डायमंड्स। तो अभी ढूंढ देखे, इतनी सारी आवाज़ आती है इधर, क्या कहते हैं ज़ॉम्बीज़ स्केलेटन और अजीब सी भी आवाज़ आती है। और जब मैं ऑफलाइन था मैंने एक बहुत ज़्यादा लंबे बंदे को देखा, सिलेंडर मैन थे जैसा बंदा था वो। ये क्या जगह है, ये कौन सी जगह है? अच्छा, मैंने खोदा था ना इधर से डायमंड्स के लिए। अरे मैं खुद ही भूल गया मैं क्या कर रहा था। तोड़ते, अगर मुझे डायमंड मिला तो मैं आपको मिलता हूँ उसी वक्त। तो गाइस, अभी मुझे डायमंड नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं मैं खोते हुए दिखा रहा हूँ, वरना कुछ लोग समझेंगे क्या कहते हैं मैं क्रिएटिव में जाके चीटिंग से डायमंड लगा के दिखा रहा हूँ। तो रेड स्टोन फिर से मिल चुका है मुझे, रेड स्टोन को तोड़ते हैं। अगर फिर से इसके पीछे डायमंड मिले, इसके पीछे तो आयरन मिला इस बार। इस बार डायमंड्स क्यों नहीं मिले? इस बार मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं समझा था फिर से डायमंड मिल जाएंगे, इस बार बस आयरन मिला है। फिर से डायमंड मिल जाता तो क्या जाता। आयरन तोड़ो 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 तोड़ो। और गाइस, आप मुझे क्या कहते कमेंट में बताएं मैं अपने वर्ल्ड में क्या क्या करूं, चेंजेस करूं, या फिर किसी घर का ट्यूटोरियल भेजें मुझे। मेरे घर क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता, और डब्बे जैसा है घर है मेरा, इतना अच्छा नहीं है मेरा घर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे आप किसी वीडियो का ट्यूटोरियल भेजना है एक मिनट में। अरे हाय, टॉर्चेस ख़त्म हो गई, टॉर्चेस लानी पड़ेंगी। मैं टॉर्चेस लाने के बाद आपको मिलता हूँ। गाइस, मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ एक हादसा हो गया। मेरे घर में एक जलता हुआ ज़ॉम्बी घुस गया, लेकिन मैंने उसे मार दिया। इस गोल्डन गट को मैं इधर रख देता हूँ, मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ बहुत ही मेहनत के बाद। और ऑक्सीजन को इधर रख देता हूँ। मुझे एक और नई चीज़ मिली, रॉटन फ्लैश पोर्क चॉप, तो डैश पिक से निकलती है। और अब आयरन को स्मेल्ट होने रख देता हूँ। मेरा स्टोन, हाँ ये मैंने ऑफलाइन स्मेल्ट होने रखा था, तो क्या कहते हैं इससे एक और नई चीज़ बनती है, इसका नाम स्टोन ब्रिक। तो मैं स्टोन ब्रिक्स से अपना घर बनाऊंगा, मैंने सोचा था। स्टोन ब्रिक्स बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मुझे कोई ट्यूटोरियल भेजना घर का। इसको करते कैसे हैं? आज 10 कोल इसमें डालने, मुझे 10 कोल उसमें डालना है। पता नहीं इसको आधा आधा क्यों रख सकते हैं। हाँ नहीं तो इसको इधर रखो, आयरन को इसको निकालो इधर से। आयरन कहाँ है मेरा? आयरन को इधर रखो। मेरी वुड भी जल गई होगी क्योंकि मैंने वुड से पकाया था। ओ भाई, सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है, मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल जला लूँ, थोड़ी वुड लेके आता हूँ। तो गाइस, मैं भी वुड लेके आ चुका हूँ। और क्या कहते हैं आज की वीडियो में डायमंड के अलावा मेरा एक और भी टास्क है, मुझे विलेजर पकड़ के लाने। जब भी मैं आके गेम को स्टार्ट करता हूँ ना, लोड हो रहा होता है गेम,
तो उसमें लिखा आता है विलेजर ऑप्टेन फूड टूल्स, बहुत सारी चीज़ें ऑप्टेन करते हैं। तो मुझे देखना है बोट की रेसिपी ऐसी है। बोट 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 क्या लिख रहा हूँ मैं, ये रही। मुझे बनाने ब्रिज वाली, मुझे एक शवल चाहिए होगा। शवल कैसे करते हैं इसको ऐसे, मुझे बनाने एक शवल, मेरी वो कहाँ स्टिक बनानी होती है ऐसे करके इस। अरे भाई स्टिक को ऐसे रखना है, शवल स्टोन का नहीं वुड का बनाना है। वुड ऊपर, स्टोन शॉल बन चुका है मेरा। अब मुझे बनानी है एक बोट, ब्रिज बोट भी बन चुकी है। तो मुझे ये करना है, मुझे विलेजर के लिए वैसे तो घर भी बनाना पड़ जाएगा क्योंकि वो मेरे साथ तो घर में रहेंगे नहीं शायद। वैसे मैंने उनको इतना कुछ चुरा लिया तो उनके घर में सब कुछ चुरा लिया है मैंने, तो उनको मैं अपने घर में मुझे भी रखना चाहिए ताकि हिसाब बराबर हो। तो मैं बिल्कुल आ गया है मेरे घर के विलेज, मेरा वर्ल्ड इतना ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर के बिल्कुल आ गए विलेज है। विलेज के पास चलते हैं और मुझे क्या कहते हैं इनको बोट में बिठाना है, ज़बरदस्ती धक्के मार के कैसे भी बिठाना है और लेके आना है विलेजर। इनका ट्रेडर कहाँ है, ट्रेड की ऑप्शन आ रही है अभी भी। अरे कैसी आवाज़ लगाता है, हाँ 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 हाँ, कितनी अजीब सी आवाज़ निकालता है। तो ये क्या विचर है, पता नहीं क्या ये, इसमें किसी भी ट्रेड के बारे में मुझे नहीं पता। आगे विलेज एक, जहाँ से मुझे क्या कहते हैं इनको बिठा के लाना है। आज तो मुझे विलेजर लेके आना है, फिर उनसे ट्रेड करके अपने आप को अमीर बनाऊंगा, अमीर। तो सबसे पहला विलेजर मुझे पकड़ के लाना है जिसका नाम होगा फार्मर, एक खेती बाड़ी, एक क्या कहते हैं एक फार्मर, हाँ फार्मर ही कहते हैं। और दूसरा है मेरा विलेजर के बारे में रिसर्च करके आया, दूसरा है मेरा क्या था एक मैं देखता हूँ ज़रा, टूल स्मिथ, नहीं नहीं टूल स्मिथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाइब्रेरियन। ये दो विलेजर बड़े काम के हैं, जो लाइब्रेरियन है वो मुझे एंचेंटेड बुक्स दे सकता है। तो मुझे एंचेंटेड बुक्स के साथ मैं अपने आर्मर को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तबाही बना सकता हूँ। और जो मेरा जो जो फार्मर है उसके साथ मैं ब्रेड वीट या फिर दूसरी चीज़ों में ट्रेड कर सकता हूँ। तो मुझे फार्मर के लिए एक और भी चीज़ चाहिए होगी जिसका नाम होगा कंपोस्टर। तो मुझे कंपोस्टर लेके जाना है यहाँ से। और एक विलेजर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कोई, वेयर आर यू विलेजर्स, गांव छोड़ के तो नहीं भाग गए, मैंने उनका सारा सामान चुरा लिया मेरे ख्याल से, गांव छोड़ के भाग गए, गाय छोड़ के भाग गए, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये रहा, ये कौन सा विलेजर है, पकड़ो इसे, बैठ जा तू, बैठे रहे, यहाँ से निकलना नहीं। मैं ज़रा तुम, ये है मेरे ख्याल से वो है, कौन सा ये, कौन सा है ये देखते हैं, फिशरमैन। मुझे फिशरमैन के लिए मुझे इसको इसकी जॉब से इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इसको कंपोस्टर की जॉब देनी। तो मैं एक दफ़ा रेड करके आता हूँ, मैं देख लिया है मुझे चाहिए। मुझे पता है क्या करना है, मुझे इसका जो बैरल है ना जो मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन मेन चीज़ मुझे दिख गया है, फार्मर दिख चुका है मुझे। हेलो फार्मर, वो तू निकल बोर्ड से, मुझे फार्मर को पकड़ना है। फार्मर बोर्ड पकड़ा, ऐ तुझसे ट्रेड नहीं करनी, फार्मर उठाना मुझे प्लीज़ फार्मर, फटाफट से आ जा, ब्रेड खा लेता हूँ थोड़ी, ब्रेड खाएगा फार्मर, तू ब्रेड नहीं खाएगा, फटाफट से बैठ बोट में। मैं बोट चलाते कैसे हैं ऐसे, एक मैंने लीव बोट करके, तू नहीं उतना बेटा बहुत पिटेगा। अभी मुझे थोड़ा सा रास्ता बनाना है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा बनाना है। मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है क्या, शवल बना लूँगा, शवल है डायरेक्ट, पता नहीं मैं स्टोन उठा के क्यों लेके आ गया इधर, नहीं फालतू फालतू की चीज़ें उठा के ले आता हूँ ताकि वो सफोकेट ना हो जाए। बहुत मुश्किल होएगा इसके वहाँ से ले आना,
क्योंकि एक दरिया भी है, दरिया पे मुझे ब्रिज बनाना पड़ेगा एक, तो मैं इसको लेके जा पाऊँगा। तो मैं आपको ब्रिज बनाने के बाद मिलता हूँ गाइस। ये चीज़ होती है, इसका नाम होता है कंपोस्टर। मुझे कंपोस्टर तोड़ देना है ताकि जो प्लस हो जाए। ठीक है, फिर से बन गया वाले कंपोस्टर का, बन गया यानी कि मुझे वाला कंपोस्टर भी तोड़ना पड़ेगा। इसका वाला भी कंपोस्टर तोड़ देता हूँ, किसी वैसे तो किसी और का कंपोस्टर है, फिर भी इसे तोड़ देता हूँ। इसको जॉब भी तो दे, बन गया क्या भाई? क्या सब कुछ तोड़ दूँ मैं, पूरा गांव उजाड़ दूँ? अब कहाँ ये बैरल, बैरल तोड़ता हूँ उसको। देर इज अ बैरल, खाना खा के तोड़ूंगा। मेरा गेम थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। बैरल 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 टूट जा प्लीज। अब कुछ और तो नहीं बन गया ना? क्या है तू फार्मर पे फार्म क्या करूं? यहाँ से उतरा ना बहुत तेगा फार्मर। अब कुछ अब फिर से फार्मर बन गया। पूरा गांव उजाड़ दूं, तोड़ दूं पूरा गांव? पता नहीं कितने कंपोस्टर वम्पोस्टर ला के रखे हैं, बैरल कंपोस्टर। अब क्या होगा तू? प्लीज़ अपना कुछ भी होना प्लीज़। और गाइस मैंने अभी तक मैंने क्रिएटिव मोड में आके नहीं तोड़ा ये सब कुछ, सरल मोड में करा, अभी तक मेरे सही से नहीं हुआ है। मैं फिर से ब्रिज बनाने के बाद मिलता हूँ गाइस। मैं सोच रहा हूँ क्या कहते हैं इसको, तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम है। इधर इनका कुछ वो बनाने घर वर टाइप, वहीं पे रख लूँगा इन्हें, बहुत प्यारा सा घर बना लूँगा। वहाँ पर इनकी बेड्स बैठ होंगे जहाँ पर ये सोएंगे। तो मैं इसका एक प्यारा सा कहते हैं एक घर बनाना पड़ेगा, पता नहीं ये ब्रीडिंग कर दे कि नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इनका घर कहाँ बनाऊँ, बस छोटा सा घर होगा जेल जैसा, ताकि ये इस वर्ल्ड के अपने आप को मालिक ना समझें। गाँव से इनका नहीं मेरा है, कहाँ बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। ये जगह कैसी है? मैं यहाँ से ये तोड़ दूंगा, यहाँ पर बना दूंगा बड़ा सा महल सा, महल तो नहीं बनाने वाला। तीन कंपोस्टर माशाल्लाह से लेके बैठा हूँ मैं। लाइब्रेरी की चाहिए होगा मुझे, लेक्टर्न इधर ही किधर होगा, या फिर मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा। लेक्टर्न की पता नहीं क्राफ्ट भी होता है कि नहीं। तो मैं आपको घर बनाने के बाद मिलता हूँ गाइस। तो ये है इनका प्यारा सा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है घर। जब मेरे पास क्या कहते मटेरियल की कमी हो गई थी, तो मैंने आधे डर्ट से बना लिया, आधे कोबल स्टोन से बना लिया। मेरे ख्याल से रात होने वाली है, अभी लग रहा है अभी कोई ऊपर से उड़ता हुआ गया। अब मुझे विलेजर ढूंढना, मैंने कहाँ पर बिठा कर था उसे। ये भागते कैसे इतनी अजीब तरीके से, अपने सर ऐसे ऊपर करके भागते हैं। पकड़ लो उसे, पकड़ ले ऐसे, नहीं ऐसे 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 भाग 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 भाग। अरे थोड़ा भाग ले गधे, हटो यहाँ से, हट जा प्लीज विलेजर। ये कितने कितने आप फनी लगते हैं, अभी भागते हैं सर सर उठा के भागते हैं। इनकी नाक इतनी भारी है ना, इनको सर उठा के भागना पड़ता है। जीप पर जाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने फाइनली इसको इधर बिठा दिया है। ये ऑलरेडी फार्मर बन चुका है, देखते हैं क्या ट्रेड कर रहा है। वीट में ट्रेड करिए बेटा, बहुत मानूंगा। 20 वीट के बदले एक एम्ब्रेल्ड, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो अभी बहुत मुश्किल ट्रेड है। ये फार्मर्स इसका बार फूल है, आधा हुआ है आई मीन। तो लेवल 1 का फार्मर है, यानी कि इसकी अपनी अप्रेंटिस है, लेवल 2 का अप्रेंटिस। अच्छा ये देगा अप्रेंटिस बन के। तो मेरे ख्याल से मुझे रात हो रही है, एक मिनट सोता हूँ। इसके लिए मुझे वो क्या कहते हैं बेड लगाने पड़ेंगे। ये भी सोते हैं, ये मुझसे पहले सो जाते हैं रात होने से पहले। ये तो इतने क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में, ये शाम को ही सो जाते हैं। हाँ इनके लिए रूल है कि शाम को सो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है, हम नहीं सो सकते शाम को, अच्छी बात नहीं है। इनके लिए क्या कहते हैं बहुत सारे बेड बनाने पड़ेंगे मुझे। और इधर कोई क्राफ्टिंग टेबल होगी तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्राउच क्यों हूँ। क्राफ्टिंग टेबल होगी तो एक वो बनाऊँगा, क्या कहते हैं इसको भी तोड़ लो,
सॉरी गांव वालों, मैं तुम लोगों के बेड चुरा रहा हूँ। सारे बेड उठा के ले आऊँगा क्योंकि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेड है, क्राफ्टिंग टेबल है। तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल में क्राफ्ट करना था, क्या क्राफ्ट करना था? एक दरवाज़ा, मेरे छूट से क्या कहते हैं, दूसरा दरवाज़ा बनेगा मेरे ख्याल से। अच्छे वाले दरवाजे बन गए, वाइट कलर के प्यारे दरवाजे। और ये क्या चीज़ है, ट्रैप, पता नहीं क्या है। खोलने वाले ट्रैप डोर देते हैं। मुझे एक बेड चाहिए और कुछ ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। मेरे पास एक बेड है, वाइट बेड दूंगा ना, येलो बेड मैं खुद रखूँगा। अच्छा, ज़्यादा अच्छा कलर है, मेरा फेवरेट कलर है येलो। तो भैया अच्छा ये तरह बेड है, ठीक है, यहाँ से बाहर गया ना। मेरे ख्याल से इन दरवाज़ों के खोल लेंगे तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ मुझे एक और मटेरियल क्राफ्ट कर सकता हूँ जिसका नाम है लेडर। वो इस लेडर पे चढ़ पाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर मैं उनको एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर की तरफ लगाऊंगा। इसका घर कितना ज़्यादा अच्छा है, ये फार्मर का घर होगा। आई एम श्योर ये फार्मर का घर है क्योंकि इसके बाहर ही कितने इतने स्विमिंग पूल से बनाया हुआ है। जब भी उठता होगा तो मज़े करता होगा स्विमिंग पूल में। अब लेडर की रेसिपी मुझे पता नहीं है, देखते हैं लेडर की रेसिपी। ये क्या मैंने गलत लिख दिया, फिर लेडर 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 लेक्टन की रेसिपी आ गई। वुड स्लैब और बुक शेल्फ चाहिए। अबे बुक शेल्फ कहाँ से मिलता है बाबा? मेरे ख्याल से हम बुक शेल्फ को भी क्या कहते हैं, क्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। हनी बोतल, ये कौन सी चीज़, शहद, शहद भी है इस गेम में। पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन, हाँ मेरी बात सुने। मैं अपने आर्मर, जब मेरा डायमंड का आर्मर फुली बन जाएगा तो मैं उसको इंचेंट नहीं करूँगा। डायमंड के बाद भी एक और मटेरियल आता है जिसका नाम होता है नेदर राइट। तो मैं नेदर राइट के आर्मर को इंचेंट करूँगा। जब मैं नेदर राइट को उससे मिलाऊँगा ना डायमंड के आर्मर का बनाऊँगा, तो डायमंड के आर्मर से बनता है नेदर राइट, आई मीन नेदर राइट का, नेदर राइट का आर्मर बनता है डायमंड के आर्मर से। तो छोटा डोंकी, इतना प्यारा लग रहा है, सब प्यारा लग रहा है। पानी में गिर तू, छोटे डोंकी पानी में, पानी जा पानी में, डूब जा पानी में, गिरा ही नहीं। चलो छोड़ो, क्या गिरा के करूँगा मैं। इधर कोई हो गया है क्या, मैंने इनका वो तोड़ दिया क्या, ये वाइट टेरा कोटा जो मैंने पहले पुरानी एपिसोड में मिली थी, आई मीन सेवेंथ एपिसोड। मैं वैसे मैं क्या करने आया था इधर, मुझे क्या ढूंढना था, हाँ लेटर बनानी थी। को क्राफ्टिंग टेबल भी ढूंढनी पड़ेगी, लेटर की रेसिपी देख के आता हूँ। मैंने क्राफ्टिंग टेबल इधर ही बना ली है। एक इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं रखने वाला हूँ इस घर के अंदर, बाहर नहीं निकली हो मेरे ख्याल से। मेरा तो दिल जा रहा है क्या कहते हैं इसको, इस पर बिठा के ट्रेड कर दूँ। क्राफ्टिंग टेबल इधर रखूँगा और लेटर की रेसिपी कुछ ऐसी, एच की तरह एच बनाना है मुझे। एक नौ बन चुकी हैं, मुझे ऐसे करके लगानी है। एक ऐसे इधर नहीं लगानी, मुझे दूसरी साइड पे लगानी है। ऐसे 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 उछल के चढ़ूँगा मैं इन पे, सीढ़ियाँ हैं। ऐसे 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 मैं दरवाजे तोड़ दें। दरवाजे कितनी ज़्यादा देर लगती है दरवाजे तोड़ने में। तो आज का तो हमारा काम हो चुका है विलेजर को पकड़ने का। वैसे डायमंड का चेस्ट प्लेट बनाया था लेकिन फिर भी हमने विलेजर को पकड़ लिया है आज के एपिसोड में। अब मुझे क्या कितने, जो मुझे पिछले एपिसोड में हे बेल्स मिली थी ना, हे बेल्स उनसे वीट बनती है। तो मैं फटाफट से अपने घर पे जाता हूँ। येलो बेड है ना मेरे पास, हाँ ठीक है। ये भी इसका घर है था, अच्छा प्यारा सा फर्नेस लगे हैं इसके घर में और ग्रैंड स्टोन लगा है। डिसएन्चेंट और दूसरा कौन सा था, रिपेयर, रिपेयर एंड डिसएन्चेंट। डिसएन्चेंट कौन कराए, कौन कराएगा अपनी चीज़ों को, हैं कोई भी नहीं कराएगा डिसएन्चेंट। तो अपने घर फटाफट से, फटाफट से चले हैं अपने घर पे। घर का रास्ता कुछ ऐसा है, अभी वो इनविजिबल ही है।
नहीं वो इसको इनविजिबल होने में इतना क्या मज़ा आता है। खाना ख़त्म हो गया मेरा, मेरे ख्याल से मेरी ब्रेड का है, कंपोस्टर की जगह ब्रेड रखूँ। थोड़ा और खाना खा। तो मेरे ख्याल से मुझे अभी बहुत लंबी वीडियो आ जाएगी, तो मैं लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं डायमंड की जेस्ट ब्रेड शायद, या फिर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।